एनिमल का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है, कुछ लोगों को पसंद आ रहा है तो कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। सबसे पहले कुछ यूट्यूबर्स का रिएक्शन देख लेते, जहाँ पे अनमोल बोलते द शो डाउन फायर, कॉमिकोर्स बोलते सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूँ मैं, व्हाट हैव यू कुक्ड, पीजे एक्सप्लेन बोलते मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मेरे आंखों में आंसू क्यों है, ये इतना अच्छा क्यों है, मुझे अपना दिल महसूस हुआ, ओ भाई 1 दिसंबर एक इवेंट होगा, योगी बोलता है बोल रहे सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूँ मैं, ओह पहले 42nd ने एक्चुअल डरा दिया था, माँ का प्यार बहुत देख लिया, पापा का प्यार 10 साल में एक बार दिख जाता है, पर पापा के लिए इतना खतरनाक प्यार, मूवी स्टॉक बोलते भाई साहब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, ट्रिगर्ड इंसान लिखते एनिमल का ट्रेलर फायर, KGF 2 के बाद किसी मूवी के लिए इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। उसके बाद कुछ फैंस के रिएक्शन आए, जैसे लिखा है दे ड्रॉप बॉम्ब इन द नेम ऑफ एनिमल ट्रेलर, एनिमल का ट्रेलर आते इंडिया में ट्रेंड करने लग गया, और वो भी अलग अलग कैटेगरी में, मी आफ्टर एनिमल ट्रेलर, एनिमल ट्रेलर आया तो उसके साथ एक और न्यूज आई है, एडवांस बुकिंग स्टार्ट होंगे 26 नवंबर, वो भी संडे के दिन, एनिमल ट्रेलर आया और उसने रिकॉर्ड बना दिया, मतलब 2 घंटे के अंदर 2 मिलियन प्लस व्यूज आ गए, ट्रेलर आते कुछ लोग प्रिडिक्शन करने लगे कि फर्स्ट डे ओपनिंग को 50 करोड़ लेगी इंडिया के अंदर, वो भी नेट कलेक्शन, एनिमल ट्रेलर रिव्यू डायनामाइट, एनिमल ट्रेलर मोस्ट वायलेंट ट्रेलर है 2023 का, बेस्ट मूवमेंट फ्रॉम एनिमल ट्रेलर द ओपनिंग सीन, द स्मोकिंग सीन ऑफ बॉबी देओल लास्ट सीन, रणबीर कपूर बॉबी देओल फेस ऑफ, बैकग्राउंड म्यूजिक प्लस कंटेंट प्लस बी प्राक वॉइस, फादर सन बॉन्ड थीम, ऐसे भी प्रिडिक्शन करने लगे ट्रेलर को देख के कि ये मूवी 400 करोड़ कंफर्म है, और अगर फिल्म अच्छी रही तो 500 करोड़ प्लस है, रोहित जायसवाल बोलते कि एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इसका सीक्वल भी बने, मतलब संदीप रेड्डी वंगा सर ने कुछ लिख के रखा होगा एकदम मास्टर क्लास, एनिमल मूवी को इंडियन सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला है, जिसमें उसका फर्स्ट हाफ होगा 2 घंटे का और सेकंड हाफ होगा 1 घंटा 21 मिनट का, एनिमल मूवी में बॉबी देओल का एक भी डायलॉग नहीं है, डायरेक्टर ने म्यूट कैरेक्टर दिया है बॉबी देओल को, 100 फीट का एनिमल पोस्टर लगाया गया टी सीरीज के टावर पे, क्रेजी, 1 दिसंबर को एनिमल मूवी रिलीज हो रही है जिसमें 7 AM के शो अलॉट किए गए हैं, एनिमल के साथ क्लैश करने वाली सैम बहादुर को यूए सर्टिफिकेट मिला है जिसका रन टाइम होगा 2 घंटा 30 मिनट, टाइगर 3 के पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक के सारे कलेक्शन आ गए, सालार मूवी से 1 दिन पहले रिलीज हो रही है डंकी जिसे 5 दिन का वीकेंड मिलेगा, ऐसा भी बोला जा रहा है कि ये मूवी 500 करोड़ कमा सकती है, जवान मूवी नेटफ्लिक्स पे और उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, मोस्ट वॉच फिल्म इन इंडिया बन गया है, वो भी सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर, मोस्ट पॉपुलर 2023 इंडियन स्टार्स के लिस्ट में शाहरुख खान ने टॉप किया है, सेकंड पे आलिया, थर्ड पे दीपिका एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यशराज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स में किस मूवी ने कितना पैसे कमाए, फर्स्ट पे पठान 525 करोड़, टाइगर जिंदा है 339 करोड़, वॉर 317 करोड़, टाइगर 3 237 करोड़, शाहरुख और उनकी बेटी सुहाना एक पिक्चर में आ रहे, किंग मूवी का नाम होगा जिसका शूटिंग स्टार्ट होगा जनवरी मूवी से, डंकी मूवी का नया गाना रिलीज हुआ लुटपुट गया, जिसपे कुछ यूट्यूबर्स का रिएक्शन आया, जैसे अभी का रिव्यू बोलते डंकी जरूर रेंड में रुलाएगी, अनमोल बोलते द मास एक्शन ब्रेक वी विल नीड, लुटपुट गया जैसे ही गाना रिलीज हुआ उसने 25 मिलियन व्यूज कमा लिए, वो भी 20 घंटे में, डंकी मूवी का स्क्रीनिंग होगा तब ऐसे बताया जा रहा है कि ओवर 100 शाहरुख खान फैंस आएंगे, वो भी बाहर विदेशों से, ऋतिक रोशन और जूनियर NTR स्टार्ट करेंगे उनके वॉर 2 मूवी का शूटिंग, वो भी 2024 फरवरी से, स्टंट डबल के साथ सेकंड शेड्यूल स्टार्ट होगा, वो भी दिसंबर 2023 में, 12 फिल्म मूवी ने 50 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन कर लिया, वो भी पूरे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे, टाइगर 3 ने 400 करोड़ कमा लिए पूरे वर्ल्ड वाइड में, फर्स्ट ऐसी हाईएस्ट मूवी बन गई जिसने दिवाली पे इतने पैसे कमाए, करण जौहर और एकता कपूर ने एक मूवी के लिए कोलैबोरेट किया जिसके मेन लीड होंगे कार्तिक आर्यन, ऐसा बताया जा रहा है कि एपिक वॉर ड्रामा मूवी होगी जो कि 15 अगस्त 2025 में रिलीज हो सकती है, शाहरुख खान की IPL टीम में नए मेंबर गौतम गंभीर ऐड हो चुके हैं, तो वहीं पे शाहरुख खान बोलते गौतम पहले से अपने फैमिली के पार्ट रह चुके हैं, मार्च के मंथ में टाइगर श्रॉफ अपनी न्यू मूवी स्टार्ट करेंगे रैम्बो जिसके डायरेक्टर है रोहित धवन, हेरा फेरी 3 मूवी का शूटिंग कब से चालू होगा ये परेश रावल ने रिवील कर दिया, उन्होंने बताया कि नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगी शूटिंग, लियो मूवी फाइनली नेटफ्लिक्स पे आ गया तो जाइए मजे उठाइए, करण जौहर सारा अली खान ने उनके नेक्स्ट मूवी का पोस्टर रिलीज किया, ए वतन मेरे वतन मूवी का नाम होगा, यही सारे न्यूज थे, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।